हेलो दोस्तों, कल रात नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। चर्चिल ब्रदर्स को 6-3 से हरा कर सुपर कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। तो इस मैच के हीरो रहे जिन्होंने 4 गोल स्कोर किया है चर्चिल ब्रदर्स के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, विल्मर जॉर्डन गिल, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए सिल्वेस्टर एमेका को रिप्लेस करके। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो ब्रेकिंग खबर है विल्मर जॉर्डन गिल को लेकर, तो ये खबर सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बुरा खबर हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को छोड़कर ऐसा खबर है कि चेन्नई एफसी में ज्वाइन करने वाले हैं विल्मर जॉर्डन गिल। तो चेन्नई एफसी मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे खासे पैसे का ऑफर दिया है विल्मर जॉर्डन गिल को, और इनिशियल स्टेज पर बातचीत चल रहा है विल्मर जॉर्डन गिल का चेन्नई एफसी मैनेजमेंट के साथ। तो दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा तो काफी ज्यादा चांस है कि अगले सीजन से हम सभी को विल्मर जॉर्डन गिल चेन्नई एफसी में खेलते हुए दिखे। और नेक्स्ट अपडेट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच को लेकर। तो दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि ईस्ट बंगाल एफसी में और कंटिन्यू नहीं करेंगे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जैसा कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने कंफर्मली बता दिया था कि वो सुपर कप 2023 के बाद ही स्टीफन को रिलीज कर देंगे। तो उसी का फायदा उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट चाहती है कि वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अपनी टीम का हेड कोच बनाए आने वाले सीजन के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच के तौर पर हम सभी को दिख सकते हैं अगले सीजन से। तो दोस्तों, आप सभी का क्या ओपिनियन है इस खबर को लेकर, आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।